गुरु निकुंज विशिष्ट कोटि की आज अनंत शक्तियों का आप सब लोगों ने अनुभूत किया होगा। गुरु पूर्णिमा का पर्व है, हजारों लोगों ने अपने अपने इष्ट गुरु, परम गुरु, शिक्षा गुरु, विद्या गुरु, नवकार मंत्र का न भी आप किसके पास सीखते हो तो वो भी एक गुरु है, उनके भी आशीर्वाद लेना बेहद बेहद में जरूरी है। तो आज भव्य रूप से आप सभी के संघों के अंदर, आप सभी के गुरु भगवंतों के पास में जाकर के आपने अनंत ऊर्जा महसूस की होगी। अहमदाबाद के अंदर भी हजारों लोगों के साथ में मिलकर के आज हमने गौतम स्वामी भगवान का एक विशिष्ट अनुष्ठान, प्रार्थना, जप, नाम संकीर्तन के साथ में खूब भव्य रूप से सुबह के अंदर हमने गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव मनाया। विशिष्ट करके कई सारे लोगों के सवाल के जवाब देने के लिए मैं बारी बारी से आप सभी के सामने लाइव आ रहा हूं। मैं हूं आपका एस्ट्रो गुरु निकुंज। जो भी लोग इसी वीडियो के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं फेसबुक से, यूट्यूब से, जल्दी से फेसबुक पेज को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कहां से हो, कौन सी आप आराधना करने वाले हो। यूट्यूब से जो जुड़े हुए हैं वो सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि जल्दी से हमारी जो नई वीडियो आने वाली है उनका अपडेट आप तक पहुंच सके। खास करके ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं वो आप सभी के लिए बहुत 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 उपयोगी है। ये एपिसोड आप सुन करके, जान करके आप खुद आपके कोई भी बीमारी हुई है वो बीमारी को आप दूर कर सकते हो। आपको कोई भी प्रकार का फाइनेंशियल लॉस हुआ है उनको आप दूर कर सकते हो। आप टेंशन में हो, तनाव में हो, चिंता में हो तो उनको किस प्रकार से सरल रूप से मंत्र जाप, नाम जप से दूर किया जा सके उनके लिए सावन महीना आ चुका है। वैदिक परंपरा के अंदर खूब भक्ति होगी, खूब संगीत होगा, खूब महाअभिषेक होगा और हमारे जैन धर्म के अंदर भी श्रावण मास को बहुत 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 पवित्र माना गया है। सबसे पहले तो महीना का घर आएगा, जिनको भी मासिक समण की तपस्या करनी होगी। पूरे भारत में 6 साल 7 साल 8 साल के बच्चे अट्ठाई करते हैं, बड़े बड़े तपस्या करते हैं तो कि महीना का घर आएगा। नेमिनाथ भगवान का जन्म और दीक्षा वर्तमान समय के अंदर जगमा तीर्थ दो वड़ा शेतुंजय गिरनार, गिरनार के प्रति आस्था बहुत लोगों की बढ़ चुकी है। आज भी वहां पर इतनी प्रभावशाली औषधियां हैं, वहां पर 100 साल 200 साल 1000 साल के सिद्ध साधक आज भी वहां पर विद्यमान है। उनकी जो महाशिवरात्रि आती है, विशिष्ट कोटि के जो दिन आते उनके अंदर उनके दर्शन होते, वापस अदृश्य हो जाते। तो ये सावन मास के अंदर पार्श्वनाथ परमात्मा का मोक्ष कल्याणक है। करोड़ों लोगों का जो आस्था का स्थान है, सबसे ज्यादा लोगों को भक्ति करने में भाव जिनको ज्यादा आते हैं ऐसे प्रभु पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक भी सावन मास के अंदर आता है। परमाधिराज पर्युषण पूरा जैन शासन का जो हार्द है, बहुत सारे लोग पूरे साल आराधना करते हैं, कुछ लोग महीने महीने करते हैं, लेकिन ऐसा कोई इंसान जैन धर्म में नहीं होगा कम से कम 8 दिन जो हो सके छोटा से छोटा तप न करता हो, जप नहीं करता हो, मंदिर न जाता हो, प्रतिक्रमण न करता हो। तो जन्म वांचन आदि विशिष्ट सभी जंगों के अंदर खूब भव्य रूप से चातुर्मासिक शिविरें चलेगी, भक्ति अनुष्ठान चलेगी, उसके अंदर पूरे श्रावण मास के अंदर 9 ऐसे विशिष्ट मुहूर्त आ रहे हैं। और आज मैं आपको एक ऐसा छोटा सा मंत्र बताना चाहता हूँ। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी जी सभी चीजों देने के लिए समर्थ हैं। भगवान की अधिष्ठान देव इतने जागृत है कि आप सोचोगे तो कार्य आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आप सारी चीज लेने के समर्थ हो या नहीं हो। तो ये जो सारी साधना जो है आपके अंदर समर्थता बढ़ाएगी, आपके संकल्प को आगे बढ़ाएगी। ऐसी विशिष्ट कोटि की साधना। एक बार गौतम बुद्ध को उनके शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव मोक्ष तो सबको मिल सकता है लेकिन क्यों सबको नहीं मिल रहा है? तो वो गौतम बुद्ध ने शिष्यों को बोला कि आप इस गांव के अंदर जाइए और सबको पूछिए कि आपको क्या चाहिए। शिष्यों को भी आश्चर्य लगा, गुरुदेव ने बोला है तो कोई इस बात में रहस्य तो होगा। पूरे गांव के अंदर शिष्य घूम रहे, किसी को पूछा आपको क्या चाहिए, वो बोलता है मुझे घर चाहिए, दुकान चाहिए, ऑफिस चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, बेटी की शादी चाहिए। एक भी व्यक्ति ने नहीं बोला कि मुझे मोक्ष चाहिए। प्रभु हर चीज, भगवान की भक्ति हर चीज देने के लिए सामर्थ्यशाली है। तो खास करके जिन्होंने अभी तक बहुत सामर्थ्य किया है, बहुत सारी पूजाएं आपने करा दी, बहुत सारे यंत्र आपने अपने घर के अंदर रख दिए, बहुत जगह के ऊपर जाकर के आपने मार्गदर्शन ले लिया, फिर भी यदि आपका काम नहीं बना है तो ये 30 दिन आपके काम को पूरा करने के लिए बहुत गोल्डन पीरियड आ चुका है। सर्वार्थ सिद्ध योग के अंदर जब कोई भी साधना होती है तो सबसे पहला प्रभाव
आपकी काया निरोगी हो जाती है। आप मन से पहले तैयार हो जाओ कि आपके लिए जो गोल्डन समय है उसके अंदर आप पूरी तरह से निरोगी हो जाओगे। समार्थ सिद्ध योग के अंदर जब आप नाम जप करते हो, स्मरण करते हो, अलग अलग मुद्राओं के अंदर जब आप करते हो, तब घर के अंदर शांति और समृद्धि बढ़ती है। लंबे समय से जो जो भी काम रुके हुए हैं, ये सर्वार्थ सिद्ध योग के अंदर आप खाली अपने प्रार्थना भी कर दी, फिर आप देखोगे उनकी शक्ति क्या है, उनकी प्रार्थना की ताकत क्या है। तो खास करके आप लोग ये सारा समय नोट कर लीजिए, क्योंकि श्रेष्ठ मास श्रावण मास चालू होने वाला है, और जिनको भी प्रार्थना की शक्ति के अंदर भरोसा है, जब आपकी सारी चीजें दिल से जब नाभि में से जो आवाज आती है और आवाज अवश्य में सिद्ध हो जाती है, तो एक विशिष्ट कोटे का महामंत्र जो अभी भी अभी गुरुदेव के पास, सभी गुरुदेव के पास से हमें मिला है, ओम रीम नमः, इनकी ज्यादा से ज्यादा आपको मला करनी है। तो कि कब कब करनी है, सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, पूरे श्रावण मास के अंदर सर्वार्थ सिद्धि योग 9 बार आपको चांस मिल रहे हैं। लोग जब से भी वीडियो के साथ जुड़े तभी से उनको प्रारंभ कर देना है। सबसे पहले 25 जुलाई से सुबह में 6:03 से 7:00 शाम को 38 तक ये सर्वार्थ सिद्धि योग चलेगा। 27 जुलाई को प्रातः 7:29 से शाम को 7:45 तक ये सर्वार्थ सिद्धि योग चलेगा। 29 तारीख को सुबह में 6:05 से शाम को 6:29, 1 अगस्त को 7:05 और से दोपहर में 12:11, 4 अगस्त को 4 शाम को होगा, सुबह में 4 से पूरे दिन तक वो रहने वाला है, 5 अगस्त को सूर्योदय से लेकर शाम को 6 तक रहेगा, 8 अगस्त को रात को 9:26 से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक ये योग रहेगा, 9 अगस्त को सूर्योदय से लेकर रात को 9:57 तक ये सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, और 11 अगस्त को प्रातः में 6:12 से रात को 2:44 सर्वार्थ सिद्धि, जो चीज में आप सिद्धि हासिल करना चाहते हो, जो आप अचीवमेंट करना चाहते हो, जो आपके ड्रीम्स है वो पूरा करना चाहते हो, सबसे पहले ये महामंत्र आपकी पूरी बॉडी का पंच तत्वों को बैलेंस करता है। ये देखिए हमारे जो हाथों के अंदर से सत ऊर्जा आती रहती है, ये जो हमारे हाथ के अंदर जो अंगूठा है जिनके अंदर अग्नि तत्व है, जिनकी पाचन शक्ति मुद्रा के साथ, आज मैं कुछ मुद्रा भी सिखाऊंगा, जिनकी भी पाचन शक्ति निर्बल है, जिनको लग रहा है कि मुझे बहुत पेट में तकलीफ हो रही है, तो उनको ऐसे हाथ करते हुए ज्ञान मुद्रा के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा उनको प्रेस करना है। तो अग्नि तत्व यदि आपको बढ़ाना है तो अंगूठा के अंदर अग्नि तत्व शास्त्रों के अंदर बताया गया है। दूसरे नंबर की हम बात करें कि जिनको वायु की बहुत शरीर में दर्द रहता है, एक दर्द खत्म नहीं, कभी इधर दर्द, कभी इधर दर्द, कभी इधर, तो कि वायु संबंधी जितने भी तकलीफ है, तो कि उनको यदि दूर करना है तो ओम रीम नमः इससे जाप करना है। अपान वायु एक मुद्रा भी ऐसी है जिनको आप बराबर ध्यान से देखिए, ये अंगुली को पूरी मोड़ देना है, यहाँ की सारी आपकी नसें खुल जाएगी, धीरे धीरे करके वायु संबंधी सारी तकलीफों को दूर कराए, तो ओम रीम नमः ज्यादा से ज्यादा आपको इनका पाठ करना है। दूसरी जो मध्यमा अंगुली है, मध्यमा अंगुली आकाश तत्व का कारक है। इनके बाद जो आती है अनामिका अंगुली, जिनके जीवन में स्थिरता, बहुत सारी नौकरियां चेंज करनी पड़ रही है, मकान चेंज करना, एक जगह पे मकान दिया सेट नहीं हुआ, दूसरी जगह हर गांव चेंज करना पड़ रहा है, स्कूल में छोटे बच्चे को चेंजेस करना पड़ रहा है, तो कि आकाश तत्व, बहुत सारा बच्चा 5 भी एक जगह पे नहीं बैठ रहा है, तो उनमें कुछ ना कुछ आकाश तत्व की कमी है, तो ऐसे हाथ रख करके आपको ओम रीम नमः का ज्यादा से ज्यादा आपको जाप करना है। और खास करके जल तत्वों की जिनको कमी है, तो कि कनिष्ठ का लास्ट की जो फिंगर है उनके ऊपर आप हाथ रख के पंच तत्व सारे मंत्र, बहुत सारे लोगों को भाई ये विधि कराओ, ये विधि कराओ, हमको कुछ भी नहीं कराना है, तो ये सर्वार्थ सिद्धि योग आपके लिए बहुत बेहतरीन उज्जवल भविष्य को ला सकता है। तो कि जल तत्व को आपको स्थिरीकरण कराना है, जल तत्व संबंधी कोई भी तकलीफ है, तो उनके लिए खास इसी मुद्रा के अंदर ओम ह्रीम नमः का ज्यादा से ज्यादा आप जाप कीजिए। खास ये आप जाप करोगे तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है, आपकी जो सिक्स सेंस है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपकी जो सोचने समझने की स्थिति है, खूब आप आगे बढ़ सकते हो। हमारी बॉडी के अंदर भी पंच तत्व, आकाश का जो भाग है, आकाश जो मस्तक के अंदर आकाश तत्व है, दूसरे नंबर के अंदर जो हमारे कंधे हैं वहां पर अग्नि तत्व है, खास करके हमारे जो नाभि का भाग है वहां पर वायु तत्व है,
टीचर के अंदर जिनको भी बहुत सारे लोग किचन के अंदर भी चप्पल पहन करके जाते हैं, मंदिर में भी चप्पल पहन करके जाते हैं, आज के साइंटिस्टों ने सिद्ध करके बताया है कि आप पूरा दिन चप्पल पहनते हो तो आपके अंदर पृथ्वी तत्व आता नहीं है और जल्दी से जल्दी आपको खास करके घुटने की बीमारी हो जाती है। घुटने में आपका पृथ्वी तत्व है और पांच चारों के नीचे खास करके जल तत्व का संयोजन रखा गया है। तो आपको ये मंत्र अलग अलग मुद्राओं में जाप करना है सर्वार्थ सिद्धि योग के अंदर, ओम ह्रीम नमः। और खास करके आज विशेष लाइव इसके लिए मैं आया हूँ, मैंने दुबई जाने से पहले घोषणा की थी तो वो घोषणा के अंदर मैंने ये रेकी ऊर्जा कार्ड बनाया था। खास करके इनके अंदर पूरे हमारे बॉडी के सात चक्र हैं और उनके ऊपर नवकार महामंत्र की पूरी ओरा 9 दिन तक ये महामंगलकारी बीज मंत्रों के पाठ के साथ में ये पूरा रेकी ऊर्जा कार्ड जिनको आपको हाथ में रख करके विशिष्ट बीज मंत्र का जाप करना है, करीबन 15 तारीख से अभी तक 100 लोगों को हमने भेज दिया है। खास इनके साथ में ये पूरा पोस्टर है जिसके अंदर हमारे सातों चक्रों कैसे ध्यान करना है, काफी सारी मंत्र आराधना सरल रूप से बताई गई है। खास करके हमारी जो प्रवृत्ति है, कई सारे गुरु भगवान हमारे पास, साध्वी जी भगवान हमारे पास अलग अलग विधियों को जानने के लिए फोन आ रहे हैं, तो ये रेकी ऊर्जा कार्ड बिल्कुल फ्री आप सभी को हम भेज रहे हैं। किसी ने भी अभी तक एड्रेस नहीं भेजा है, कोई बाकी रह गया है तो जल्दी से हमारे वीडियो को शेयर करके कमेंट के अंदर आपका एड्रेस लिखिए, तो जल्दी से जल्दी जो बाकी रह गए कुछ 5-25 लोग हैं तो उनको हम यहाँ से रवाना करेंगे। ये वीक के अंदर ज्यादातर लोगों के पास ये रेकी ऊर्जा कार्ड आ जाएगा। इनके लिए आपको हमारे पेज को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, कमेंट के अंदर आपका एड्रेस लिखना है या नीचे जो नंबर दिख रहा है उसके ऊपर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो। खास करके गौतम स्वामी जी, आज हमने कई गुरु भगवंतों के पास दोपहर में 1 बजे से लेकर के शाम को 3-4 बजे तक, 3 से 4 के बीच में गच्छाधिपति गुरुदेव के पास भी हम गए थे और उनके पास काफी सारी चर्चा की। बहुत जगह मंदी 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 का माहौल, मानसिकता मंदी की जो हो गई है, उन्होंने बहुत सरल मार्ग बताया कि हर व्यापारी को, हर दुकानदार को, हर बिजनेसमैन को, हर छोटे से छोटा व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़ा व्यक्ति यदि गौतम स्वामी भगवान का नाम जप करता है, उनका रास का पाठ सुनता है, तो उसके अंदर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि गौतम स्वामी जी भगवान आप 1 दिन के अंदर 1 महीने का कमा सकते हो, 1 दिन के अंदर आप 1 साल का कमा सकते हो, 1 दिन के अंदर 5 साल का कमा सकते हो। और गोयम शब्द के अंदर ना आपने कभी कभी सुना भी होगा कि 7 पीढ़ी चले उतना धन गौतम स्वामी जी भगवान के मंत्र से प्राप्त होता है। तो गौतम स्वामी जी भगवान का रास, गौतम स्वामी जी भगवान की मंत्र जाप आराधना, उनकी फोटो, उनकी अष्टप्रकारी पूजा, ज्यादा से ज्यादा गुरु के रूप में आज गुरु पूर्णिमा में गौतम स्वामी जी भगवान को आप जाप कीजिए। ये मैंने जो सर्वार्थ सिद्ध योग की आपने बात बताई है, आप जिस दिन भी कभी आपको यदि लेट भी वीडियो मिलता है तो जो दिन से आप वीडियो सुने उसी दिन से आप चालू कर दीजिए। घर में कर सकते हो, ऑफिस में कर सकते हो, ट्रेन में कर सकते हो, बस में कर सकते हो, 2 मिनट 5 मिनट आपको खुद को एहसास होगा। बहुत सारी माताओं टेंशन में रहती है हमारे बेटे का फ्यूचर क्या होगा, वो सारी माताएं 10 मिनट खाली आप ये करके देखिए, नेक्स्ट में जब आपके पास सामने लाइव आऊंगा तो आप बताना कितना जबरदस्त प्रभाव होगा। सबसे पहले बहुत सारी बीमारी, कब्ज है, एसिडिटी है, तनाव है, चिंता है, जो जो भी बीमारी, गुस्सा वाला का नेचर है, छोटी छोटी बात में मुंह में से कुछ शब्द निकल जाते हैं, तो नेगेटिव शब्द के ऊपर भी ओम रीम नमः मंत्राक्षर जो है वो कवर करेगा, आपके स्वभाव के अंदर परिवर्तन करेगा। और जैसे ही स्वभाव में परिवर्तन होगा ऐसे ऐसे आपको बेहतरीन आइडिया आएंगे, आप आइडिया दूसरों को सुनाएंगे, आपके हॉबीज के अंदर प्रमोशन होने का जबरदस्त चांसेस है, आपकी लोग वाहवाह करेंगे, आपके आइडिया को सुनेंगे, आइडिया को मानेंगे, यश कीर्ति नामना ओम रीम अर्घम नमः से प्राप्त होगी। तो ज्यादा से ज्यादा खास करके चैन अनुष्ठान चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और भी कौन सा विषय आप जानना चाहते हो जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। सर्वार्थ सिद्ध योग के अंदर क्या क्या साधना करनी चाहिए उनकी सरल रूप से हमने आपको जानकारी दी है। अमावस्या के दिन खूब भव्य रूप से सामूहिक जैन विधि से कालसर्प योग का आयोजन हमने किया गया है। जिन जिन लोगों की कुंडली के अंदर कालसर्प योग है, विष योग है, सर्प दोष है, राहु केतु का कोई भी दोष है, तो आप जरूर हमारी संस्था का संपर्क कीजिए। पूर्ण आचार्य भगवान मुनिवर साधु साधु जी भगवंतों के मार्गदर्शन के हिसाब से आपकी बहुत बेहतरीन आगे वाली लाइफ हो, सारी समस्या का दूरी हो, प्रभु प्रार्थना परमात्मा की अनंत शक्ति, अनंत ऊर्जा आप सब लोग महसूस कर सके। और भी कोई आप जानकारी लेना चाहते हो हमारी वेबसाइट यूट्यूब चैनल उसके ऊपर जाकर के आप कुंडली का विशिष्ट मार्गदर्शन आप ले सकते हो। और भी आपको जल्दी से जल्दी आपके सारे ड्रीम पूर्ण हो, आपका आयु, आयुष्य, ऐश्वर्य और आरोग्य की प्राप्ति हो, यही भगवान के साथ प्रार्थना के साथ बोलो आदिनाथ भगवान की जय।
अनंत लब्धिनाम गौतम स्वामी जी भगवान की जय। जल्द ही वापस मिलेंगे, तब तक के रजा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेन्द्र।